नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक अनोखी कहानी उड़ चली पतंग मकर संक्रांति स्पेशल पर। यह है मकर संक्रांति, जहां हर गली हर मोहल्ले में खुशियों की हवा चल रही है। दोस्तों अभी सुबह हो रहा है और आज है 14 जनवरी। काफी ठंडी है और आज मकर संक्रांति है, जिसके वजह से आज हमको अभी सुबह सुबह ही नहाना पड़ेगा, क्योंकि आज खाना खाने से पहले सुबह सुबह नहा करके सूर्य देव को एक पीतल के पात्र में जल लेकर कुछ तिल के दाने के साथ अर्घ दिया जाता है, उसके बाद ही खाना खाने का रिवाज है। तो दोस्तों अभी काफी कुहास है और काफी ठंडा है, लेकिन हमको फिर भी नहाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह हम नहाने वाले हैं। आज कल के बच्चा बुजुर्ग सब चापाकल में तो कोई स्नान ही नहीं करता है। 14 जनवरी का जो नियम है वो सब हमारे उस टाइम दादी कहा करते थे कि सुबह भोर में उठ के ही नदी में कम से कम आदमी बाहर गंगा जाते हैं नहाने के लिए, तीर्थ करने के लिए, और लेकिन सुबह भोर में ही उठ करके ही नदी जा करके कम से कम नहाना चाहिए। मेरा दादी कहा करती थी कि कुआं नहाए गधा बन जाए, डबा नहाए आधा फल पाए, नदी नहाए संपूर्ण फल पाए, लेकिन क्या बोले, मेरा दादी चापाकल की बात कही नहीं। तो हम संकोच में हैं कि चापाकल में नहाए कि नहीं नहाए। तो आज 14 जनवरी की दिन है, बिना नहाने से तो खाना भी अनिवार्य गलत है, इसलिए हम नहाने चले।
अभी नहा के आ गए हैं। बहुत ठंडा था, पूरा पानी एकदम ठंडा हो गया था नदी का, बहुत ठंडा है एकदम, पूरा नदी का पानी पूरा ठंडा हो गया था। अभी पापा तो चापाकल में ही नहा रहे हैं। तिल के लाड़ू, चूड़ा का लाड़ू, मुढ़ी के लाड़ू का मिठास, ऐसा घाटड़ा जैसे पकवान का स्वाद और सुबह सुबह ठंडी में नहाने का अलग ही आनंद है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे जो भाई और दोस्त हैं, छोटे छोटे दोस्त जो पतंग उत्सव में शामिल होने के लिए तैयार हैं अपने अपने रंग बिरंगे पतंगों को लेकर के। दोस्तों ये त्यौहार केवल पतंगों का नहीं है, ये त्यौहार परिवार और दोस्ती का है। अरे गेलो। पतंगों की उड़ान जैसे अपनों के सपनों की उड़ान होती है, यही मकर संक्रांति का असली रंग है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी काफी देर बाद हमारा जो पतंग है काफी देर ऊपर उड़ गया है, और देखिए रूपलाल भाई अभी जो है उड़ाया है ऊपर। तो दोस्तों अभी काफी देर बाद हमारा जो पतंग है काफी ऊपर उड़ गया है, जो शायद अगर कट गया तो कई किलोमीटर दूर जाके गिरेगा। और इसे दोस्तों अभी रूपलाल चिट्ठी बना रहा है, हम अभी पतंग में चिट्ठी छोड़ने वाले हैं। तो कुछ छिड़ कर बीच में, अरे उड़ा ना रे बीच में। तो दोस्तों देखिए अभी इसको घुसा रहे, चलिए। अरे पतंग पतंग छूटिया गया। तो दोस्तों अभी पापा जिस तरह बोल रहे थे कि चिट्ठी भेजने के दौरान हमारा जो है पतंग हाथ से छूट भी सकता है, और सही दोस्तों अभी पतंग छूट गया है जो अभी काफी दूर जाके गिरा है, अभी लगभग 4-5 किलोमीटर चला गया है दूर, जो दिख भी नहीं रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फिर से भाई जो है उसको पकड़ के ले आए हैं पतंग को, और अभी चिट्ठी भेज रहे हैं। देखिए चिट्ठी जा रहा है धीरे 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 जा रहा है, देखिए चिट्ठी कितना दूर चला गया है और जा ही रहा है अभी, और देखिए जा रहा है जा रहा है। पतंग को तो आप शायद देख भी नहीं पा रहे होंगे। मकर संक्रांति दोस्तों, हैप्पी मकर संक्रांति अर्जुन। हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति रूपलाल।
और आप सभी भाइयों को भी हैप्पी मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति के स्पेशल इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे न्यू ब्लॉग वीडियो या फिर इस तरह जो हम इस बार स्टोरी वीडियो बनाए हैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही वीडियो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है तो शेयर करिए, कमेंट करिए, और आप नेक्स्ट वीडियो बता सकते हैं कि हम किस टॉपिक पर बनाएं, और साथ ही हमारे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। तो दोस्तों, आपको भी मकर संक्रांति का बहुत बहुत बधाई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं राजदीप कुमार और कैमरामैन रूपलाल के साथ R4 राजदीप।